नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नेपाल में ओली और राष्ट्रपति ने मिलकर विपक्ष को दिया झटका, संसद भंग कर की मध्यावधि चुनाव की घोषणा। 12 और 19 नवंबर को होंगे मध्यावधि चुनाव। देश में घटे कोरोना के नए केसेस, 24 घंटे में 2,57,299 नए मामले आए सामने, तो 4,194 लोगों ने गंवाई जान, 3,57,000 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर, अब तक सामने आए 7,251 से ज्यादा मामले, तो 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु। 11 प्रदेशों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। राजस्थान में 7 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन। वीसी के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे सीएम गहलोत। कोरोना और ब्लैक फंगस से निपटने के मुद्दे पर होगी चर्चा। राजस्थान में रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार समाप्त। चिकित्सा मंत्री की मौजूदगी में बनी सहमति। 24 घंटे में पीजी एग्जाम का टाइम टेबल होगा जारी। नेपाल